Hello aspirants, are you someone who wants to complete mains preparation before you start prelims preparation? आपको दो पेजर handwritten notes बनाने हैं on every topic of the main syllabus, but समझ नहीं रहा है कैसे start करें और कैसे notes बनाएं? Are you someone who wants to write mains test लेकिन हर बार उसे procrastinate कर रहे हो, उसे postpone कर रहे हो and हर बार ऐसे लग रहा है कि अगले बार देंगे? And क्या आपके preparation में discipline and consistency का एक बहुत बड़ा barrier है जिस वजह से आप आपके कोई भी टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो? ये आपको भी पता है कि अगर आप ये 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करोगे डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो 2025 में सिलेक्शन के चांसेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएंगे। एंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम वी हैव ब्रॉट दिस 75 डेज हार्ड इनिशिएटिव। अगर ये 75 डेज हार्ड इनिशिएटिव अगर आप फॉलो करोगे, ये प्रोसेस को फॉलो करोगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज में हम क्या अचीव करना चाहते हैं? So at the end of 75 days hard challenge, your entire main GS syllabus would be ready with 2 pages of your own handwritten notes. You would have written mains test with discipline. Third important thing is आपके पूरे preparation में consistency आएगी, accountability आएगी, discipline आएगा. And last and most important is एक self-confidence बढ़ेगा before you enter into your prelims preparation. ये major outcome रहेगा of this 75 days hard challenge. इमेजिन कीजिए आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जहां हर एक टॉपिक पर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी है विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन। जब आप नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करोगे तो यू विल हैव ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ योर कंटेंट रेडी विद योर ओन हैंड रिटन नोट्स। ऐसे सिचुएशन में आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एज ऑल ऑफ अस नो कि नेक्स्ट ईयर यू हैव ओनली 89 डेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो अभी राइट टाइम है टू यूटिलाइज दिस नेक्स्ट 75 डेज फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। सो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज का मैं मैक्रो शेड्यूल बताना चाहता हूँ। इसमें हम 2 फेजेस में सिलेबस को कवर करेंगे। फर्स्ट फेज में विच वुड बी क्लोज टू 30 डेज ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ हम डेली वी विल बी कवरिंग 1 सेशन ऑफ GS2 एंड 1 सेशन ऑफ GS3। सो क्लोज टू 4 वीक्स में हम GS2 एंड GS3 कवर करेंगे। मंडे टू सैटरडे सेशंस रहेंगे, संडे को कंपल्सरी जूम लाइव टेस्ट देना है। एंड जब आप ये सेशंस देखोगे, इट इज पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन प्रोसेस कि आपको नोट्स बनाना है एंड ऑन द सेम डे आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इवनिंग में यू हैव टू रिवाइज बोथ दिस सेशंस जो आप करोगे, GS2 का एक सेशन एंड GS3 का सेशन, ये इवनिंग में आपको रिवाइज करना ही है, ये कंपलसरी पार्ट है। तो इस तरीके से इन 30 डेज विल बी कवरिंग GS2 एंड GS3। नेक्स्ट उसके बाद आता है फेज ऑफ प्रिविजन। जो हमने फर्स्ट मंथ में टॉपिक्स कवर किए हैं विद रिस्पेक्ट टू GS3 एंड GS2, उसका हम रिविजन करेंगे फॉर 7 डेज। उसके बाद आता है फेज 2, जहां हम GS4 एंड GS1 इसी तरीके से कवर करेंगे, जहां हम सुबह मॉर्निंग में यू विल बी हैविंग 1 सेशन ऑफ GS4 एंड पोस्ट लंच यू विल बी हैविंग 1 सेशन ऑफ GS1। तो इस तरीके से अगेन इन नेक्स्ट 30 डेज वी विल बी कवरिंग GS4 एंड GS1। इसके बाद आता है फेज ऑफ अगेन 7 डेज ऑफ रिविजन, एंड इस 7 डेज रिविजन के बाद यू विल बी हैविंग 4 कॉम्प्रेंसिव टेस्ट। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, यू विल बी हैविंग 8 मिनी टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट along with the entire GS main syllabus covered with your own handwritten notes. तो overall हम सिर्फ test series पर focus नहीं कर रहे हैं, हम focus कर रहे हैं आपके content building पर। Another important fact of this 75 days hard challenge is with respect to accountability. हम चाहते हैं हर एक student ये challenge complete करे। इसके लिए हमने कुछ measures लिए हैं। The first measure is every day it is compulsory for every student to submit their notes. अगर आप submit नहीं करोगे, हमारी team call करके आपको डांटेगी and we would push you to complete the sessions. Second important thing is हर एक students को compulsory Zoom live test देना है to bring in that discipline. Third important thing is हर एक student को evening में जो भी सुबह 2 topics हमने लिए हैं, जो 2 sessions हमने लिए हैं, उसको compulsorily revise करना है. They have to submit daily report of the progress. इस तरीके से हम इस 75 days hard challenge में पूरा मेंस कवर करने की कोशिश करेंगे राइट फ्रॉम GS1 टू GS4। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी क्वेश्चन, सर करंट अफेयर्स का क्या होगा? सो आई वुड लाइक टू टेल यू, इस कोर्स में वी विल गिव यू करंट अफेयर्स अपडेट टिल योर मेंस प्रिपरेशन, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो करंट अफेयर्स का जो अपडेट होगा टिल योर मेंस प्रिपरेशन विल बी प्रोवाइडिंग यू थ्रू वीडियो लेक्चर्स, थ्रू PDFs इस पूरे कोर्स में। सो आप उसके बारे में बेफिक्र रहिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस 75 डेज हार्ड चैलेंज इज इट रियली हेल्पफुल? I would like to tell you, last year we had 25 students clearing the mains examination through this Sankalp mains initiative, जहाँ इसी process से हमने सिखाया था बच्चों को and they had their notes ready. आप हर एक students का review देख सकते हो with proof. 2024 के mains में भी we cracked so many questions with the same process. So I would like to tell you, ये process tried and tested है,
वेरीफाइड है एंड इट एक्चुअली वर्क्स बिकॉज हम इसमें राइट प्रोसेस फॉलो करते हैं. द प्रोसेस इज कवरिंग द एंटायर स्टैटिक सिलेबस विद करंट लिंकेजेस, फोकसिंग ऑन राइटिंग टेस्ट एंड गिविंग यू पर्सनलाइज मेंटरशिप. तो अगर हम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन द सेशंस या आपके कोई मेंटरशिप रिलेटेड डाउट्स है, वे आर देयर अवेलेबल 24/7. आप लेक्चर पॉज करके हमें कभी भी कॉल कर सकते हो टू सॉल्व योर डाउट्स. सेकेंडली वी हैव स्पेशल मेंटर्स वुड गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन एंड वुड गिव यू पर्सनलाइज सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज अ कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम जहाँ हम हर एक टॉपिक सिखाते हैं. वी एंश्योर कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव कंपल्सरी जूम लाइव टेस्ट विच एवरी स्टूडेंट हैज टू गिव. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एंड पर्सनल मेंटरशिप. इन बिटवीन वील ऑल्सो हैव सेशन बाई UPSC टॉपर्स वेर देन बी गाइडिंग यू हाउ टू राइट आंसर्स. आंसर राइटिंग पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा. आफ्टर एवरी सेशन वील गिव यू वन और टू क्वेश्चन टू प्रैक्टिस ऑल्सो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. जो टेस्ट रहेंगे हम उसे इवेलुएट करके आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे. सो इस तरीके से फॉर नेक्स्ट 75 days वी वॉन्ट टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन एंड एंश्योर दैट इस फेज का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें जिससे आपका मेन्स प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से रेडी रहे. सो एज ऑल ऑफ अस नो द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर. तो इसी फिलोसॉफी पर हमें नेक्स्ट 75 days सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है एंड हमें इसे बेस्ट यूटिलाइज करना है. वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम, वी डू नॉट वॉन्ट टू प्रिपेयर इन अ हैपाजार्ड वे, बट एंश्योर वी यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट. अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है विद रिस्पेक्ट टू 75 days हार्ड चैलेंज, डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी एंड कॉल मी ऑन दिस नंबर और आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो.